केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने के आरोपों में 5 लोगों को नॉर्थ एवेन्यू थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में पुलिस ने विदेशी एजेंसियों की मदद ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लखीमपुर हिंसा के लिए कुछ अहम वीडियो फुटेज होने का दावा कर रहे थे। ये आरोपी और इन फुटेज के जरिए अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 2 विदेशी एजेंसियों की मदद ली। ये दोनों एजेंसियां USA और रोमानिया की हैं। पुलिस ने अदालत के सामने ये दावा किया है कि इन पांचों ने 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच अजय मिश्रा टेनी को कम से कम 30 से 40 बार धमकी भरे कॉल किए और 2 करोड़ रुपए की मांग की। पुलिस इनके एक और फरार साथी की तलाश कर रही है। इनके पास से कॉल के लिए इस्तेमाल की गई डिवाइस भी बरामद कर ली गई है। इन 5 आरोपियों को अलग अलग जगहों पर थे। इनका मास्टरमाइंड कबीर और अमित है, जो दिल्ली में एक कॉल सेंटर चलाता था। इनका एक साथी प्रभात अभी फरार है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। गिरफ्तार अश्विन IT एक्सपर्ट है, जो गूगल सर्च कर अनयूज की डिटेल्स निकालता है और फिर उन्हें VOIP कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करता है और कई स्काईलाइट नाम की ऐप से नंबर फ्लैश करता था। कुल कॉल्स का 15% निशांत नाम के आरोपी ने की है और 85% कॉल अमित काला नाम के दूसरे आरोपी ने की है। ये लोग नोएडा सेक्टर 15 के पार्क में आकर कॉल करते थे, क्योंकि यहाँ दिल्ली और नोएडा दोनों मोबाइल टावर के सिग्नल कैच करते थे। पुलिस ने अभी तक इनके पास से कॉल करने वाली डिवाइस बरामद कर ली है और पुलिस का कहना है कि अभी इनके एक और साथी को गिरफ्तार करना है, जिसके लिए कोर्ट से 4 दिन की रिमांड मांगी गई थी और कोर्ट ने 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।